हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। उसका फ्रेंड्स आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें समझाने वाला हूँ, यदि एक लाइन एचपी में हो और वीपी के इंक्लाइंड हो तो उसके प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। आज के वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में। इसको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। लिखा है 60 mm लॉन्ग लाइन PQ। PQ एक लाइन है जिसकी लेंथ दी है 60 mm। आगे फ्रेंड्स कंडीशन दी है कि जो हमें PQ लाइन है उससे किस कंडीशन में ड्रॉ करना है। तो बोला है इन द HP, मतलब इन द HP होनी चाहिए फ्रेंड्स, और इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP, और VP से इंक्लाइंड होनी चाहिए कैसी, 30 डिग्री। आगे बोला है द एंड पी, और जो एंड पी है उसकी पोजीशन दी गई है फ्रेंड्स, वह क्या पोजीशन है, 20 mm इन फ्रंट ऑफ द VP, मतलब VP के सामने कितना होना चाहिए, 20 mm। और आगे फ्रेंड्स लिखा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, और हमें उस लाइन के प्रोजेक्शन बनाना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो पहला काम है हमारा, जो भी क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसको नोट करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइन PQ इक्वल टू 60 mm गिवन था, उसको मैंने नोट कर लिया। इसके बाद जो कंडीशन दी है इन द HP उसको लिख लिया फ्रेंड्स, 30 डिग्री टू द VP दिया है उसको भी लिख लिया। इसके अलावा जो पॉइंट की पोजिशन दी है इन फ्रंट ऑफ द VP 20 mm उसको भी नोट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग को स्टार्ट करते हैं। ड्रॉइंग स्टार्ट होती है हमारी रेफरेंस लाइन से। रेफरेंस लाइन को हम XY लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना होता है, तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं XY लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया जिसे हम रेफरेंस लाइन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो रेफरेंस लाइन है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं रहती है। हमें जो भी लाइन की लेंथ गिवन रहती है उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे कि यहां पर लाइन की लेंथ दी है 60 mm, तो फ्रेंड्स याद रखना जो हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे वह 60 mm से अधिक होनी चाहिए। मतलब 60 mm से अधिक कितनी होनी चाहिए, लगभग 80 से 90 mm के बीच में बनाना है। मतलब 80 mm भी बना सकते हो, 90 mm भी बना सकते हो। तो याद रखें जो XY लाइन है फ्रेंड्स इसको हमें ड्रॉ करना, कितना ड्रॉ करना, जो हमारी लाइन दी है उससे अधिक ड्रॉ करना। तो यहाँ पर 60 mm दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इससे हमें अधिक ड्रॉ करना है XY लाइन। तो फ्रेंड्स इसकी डायमेंशन निकालना आपको आ गई होगी। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि XY लाइन के बाद क्या करते हैं। तो XY लाइन के बाद फ्रेंड्स हमें ढूंढना पड़ता है एंगल, कि किस एंगल में हमें ड्रॉइंग करना है। तो उस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए फ्रेंड्स हमें जो पॉइंट की पोजीशन दी है उसको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पॉइंट की पोजीशन दी गई है इन फ्रंट ऑफ द VP, मतलब VP के सामने कितना है, 20 mm, सिर्फ एक पोजीशन दी है। तो फ्रेंड्स जब एक पोजीशन दी हो उससे हम एंगल को कैसे निकालते हैं, इसको आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स हम जब भी प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, जैसी कौन सी जो हमारी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, इन सब में फ्रेंड्स हम जब ड्राइंग करते हैं सिर्फ दो एंगल में करते हैं। कौन कौन से एंगल में, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। तो सिर्फ दो ही एंगल में ड्रॉ करते हैं, कौन से, फर्स्ट और थर्ड एंगल में। सेकेंड और फोर्थ एंगल में हम ड्रॉइंग नहीं करते हैं। सेकेंड और फोर्थ एंगल में ड्रॉइंग क्यों नहीं करते, क्योंकि जब इसमें हम जब हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री मूव करा के जब इसके प्रोजेक्शन बनाते हैं तो यह क्या होते हैं, वर्टिकल प्लेन के ऊपर ओवरलेप हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरलेप होने के कारण हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी सेकेंड एंगल है और फोर्थ एंगल है उसमें हम ड्रॉइंग नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड एंगल में ड्रॉइंग करते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखते हैं जो इन फ्रंट ऑफ द VP ये पोजिशन है वह फर्स्ट और थर्ड एंगल में किसमें मिल रही है। तो फर्स्ट एंगल की हमें पोजिशन याद होनी चाहिए, उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यदि एक पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द VP है, इन फ्रंट ऑफ द VP है और अबव द HP है, तो वह फर्स्ट एंगल कहलाता है, या VP के सामने और HP के ऊपर तो वह क्या कहलाएगा, फर्स्ट एंगल। इस तरह थर्ड एंगल में कोई पॉइंट है फ्रेंड्स तो वह क्या कहलाएगा, बिलो द HP और बिहाइंड द VP, क्या, बिलो द HP मतलब HP के नीचे और बिहाइंड द VP मतलब VP के पीछे, तो हम उसको क्या मानते हैं, थर्ड एंगल मानते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ द VP यह किसकी, फर्स्ट एंगल की कंडीशन है। तो फर्स्ट एंगल की कंडीशन जब मिल गई है फ्रेंड्स तो हम इसको मान लेते हैं कि हमें फर्स्ट एंगल में ड्रॉइंग करना है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ता है, जब फर्स्ट एंगल में ड्रॉइंग करते हैं तो उसके लिए XY लाइन के ऊपर XY लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऊपर की साइड VP लिखेंगे और नीचे की साइड हम HP लिखेंगे। इस तरह अगर थर्ड एंगल होता तो ऊपर HP लिखते और नीचे VP लिखते, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो इन फ्रंट ऑफ द VP कंडीशन दी है तो ये फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल में हम ऊपर की ओर क्या लिख देंगे,
ग्रुप के लिए फर्स्ट एंगल है बीपी लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे एसपी लिख देंगे, तो उसको मैं सबसे पहले नोट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं हमने क्या किया, बीपी ऊपर लिख लिया एचपी नीचे। इसके बाद फ्रेंड जो भी पॉइंट की पोजिशन है उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर याद रखें इन द एचपी या फिर इन द बीपी कभी भी ऐसा लिखा हो तो एक पॉइंट को हम कहां बना देंगे, एक्स वाई लाइन के ऊपर बना देंगे। याद रखें इन द एचपी मतलब एचपी में, इन द बीपी मतलब बीपी में, अगर ऐसा दिया गया तो उस पॉइंट को हम एक पॉइंट को कहां बना देंगे, एक्स वाई लाइन के ऊपर बना देंगे। अब दूसरे पॉइंट की पोजिशन दी है इन फ्रंट ऑफ द बीपी, तो फ्रेंड्स याद रखें इन फ्रंट ऑफ द बीपी या फिर बिहाइंड द बीपी, इन फ्रंट ऑफ द बीपी या फिर बिहाइंड द बीपी मतलब बीपी के सामने और बीपी के पीछे, इस तरह किसी भी पॉइंट की पोजिशन दी गई है तो उसको हम हमेशा एचपी के अंदर ड्रॉ करते हैं, किसके अंदर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हैं, ऐसा आप याद रख लें। इसी तरह अगर बिलो द एचपी और अबव द एचपी दिया गया हो तो उसको हम वर्टिकल के अंदर ड्रॉ करते हैं, मतलब वर्टिकल प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हैं या फिर जैसे शॉर्ट में बीपी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ द बीपी, इसको ड्रॉ कहां पर करेंगे, एचपी के अंदर मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। तो हमारा एक पॉइंट कहां हो जाएगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर हो जाएगा, दूसरा पॉइंट 20 mm इन फ्रंट कहां पर हो जाएगा, एचपी के अंदर, उसको ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं एक पॉइंट हमने एक्स वाई लाइन पर बना दिया, दूसरा पॉइंट 20 mm इन फ्रंट हमने बना दिया किसमें, एचपी के अंदर। जैसा कि मैं कंडीशन बता चुका हूं ये फिक्स है, हमें याद करके रखना है कहीं भी इन फ्रंट ऑफ द बीपी दिया हो, बिहाइंड द बीपी दिया हो तो उसको हम हमेशा एचपी में ड्रॉ करेंगे। तो हमने देखा एचपी के अंदर ड्रॉ कर दिया क्योंकि एचपी हमने नीचे माना जो कि फर्स्ट एंगल की पोजिशन होती है, बीपी ऊपर रखते हैं और एचपी नीचे रखते हैं। अब इसको ड्रॉ कर लिया फ्रेंड्स, इसमें हमें यहाँ पर डायमेंशन भी देना, फ्रेंड्स ये जो लाइन होती है डायमेंशन, ये डायमेंशन लाइन होती है फ्रेंड्स, ये एक्सटेंशन लाइन होती है, ये आपको दिख रही, ये जो लाइन दिख रही इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स प्रोजेक्शन लाइन। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है जो हमें पॉइंट बनाना था, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, ए पॉइंट है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को हमने जो भी नाम यहाँ पर दिया हो, एक एंड पी दिया होता तो पी नाम दे दिया, लेकिन डैश क्यों लगाया, क्योंकि हम जानते हैं बीपी में हमेशा डैश से शो कराते हैं जो फ्रंट व्यू को शो कराता है, एचपी में हमेशा उसी पॉइंट को सेम नाम देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन स्मॉल लेटर में देते हैं, जैसे कि यहाँ पर पी क्यू कैपिटल में लिखा था लेकिन मैंने यहाँ पर स्मॉल में देना है, लेकिन एचपी के अंदर विदाउट डैश देना जो कि टॉप व्यू को शो कराता है। इतना ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स हम जो भी लाइन इंक्लाइंड है उसको ड्रॉ करते हैं। तो लाइन इंक्लाइंड है कितनी, बीपी से है लेकिन 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री इंक्लाइंड बीपी से है तो हमें ड्रॉ कहां करते हैं, तो ये भी कंसेप्ट आप बिल्कुल फिक्स याद रखें, जब भी बीपी से इंक्लाइंड दी गई हो कोई लाइन तो उसको हम हमेशा कहां, एचपी के अंदर ड्रॉ करेंगे। जब भी बीपी से इंक्लाइंड हो कोई लाइन तो उसको हम हमेशा एचपी के अंदर ड्रॉ करेंगे। इसी तरह फ्रेंड जब भी एचपी से इंक्लाइंड हो तो उसको हम कहां पर ड्रॉ करते हैं, बीपी के अंदर ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहां पर बीपी से इंक्लाइंड है तो उसको हम कहां पर ड्रॉ करेंगे, एचपी के अंदर ड्रॉ करेंगे, मतलब जहां पर एक पॉइंट की पोजिशन बनाई यहां पर हम 30 डिग्री इंक्लाइंड एक लाइन बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों करते हैं ऐसा, तो इसके कंसेप्ट समझने के लिए फ्रेंड्स मैं अभी बता रहा हूं, उसको आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने फर्स्ट एंगल की पोजीशन ले ली, जैसे ये खड़ा हुआ वर्टिकल प्लेन है फ्रेंड्स, ये लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो रेफरेंस लाइन है एक्स वाई यहाँ पर लिखा दिख रहा है, जो ये रेफरेंस लाइन होती है इसी को हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं, जो यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है, ये जो लाइन होती है जो वर्टिकल प्लेन है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसी लाइन पर ड्रॉ करना है एक लाइन और दूसरी लाइन हमें 30 डिग्री एंगल बनाना, तो उसको याद रखते हैं सबसे पहले हम जो पॉइंट की पोजिशन है उसको बनाते हैं। तो जो वर्टिकल प्लेन है फ्रेंड्स, वर्टिकल प्लेन के कितने सामने है 20 mm इनफ्रंट, तो इनफ्रंट किधर होगा, आगे की ओर होगा, इससे हम जब 20 mm आगे को एक पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया फ्रेंड्स पी। ठीक है फ्रेंड, अब पॉइंट पी आ गया फ्रेंड्स, एक पॉइंट ऑलरेडी एक्स वाई लाइन में, दोनों पॉइंट ड्रॉ हो गए। अब हमें एक जो लाइन बनाने किससे, इंक्लाइंड बीपी से 30 डिग्री, तो हम जानते हैं अगर इस पॉइंट पे हम लाइन इंक्लाइंड 30 डिग्री बीपी से दिखाएंगे तो ये बीपी प्लान है, इससे अगर इंक्लाइन करेंगे तो इसी तरह इंक्लाइंड दिखा पाएंगे। अगर हम इसको एज्यूम करेंगे, अगर यहाँ लाइन रखिए तो इसी तरह इंक्लाइंड होगी जैसे कि हमारा एरो चल रहा है, इसी को हमने लेकिन बनाना इस पॉइंट पे, तो सेम हमने इसके वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड दिखाते हुए हमने एक लाइन बना ली 30 डिग्री इंक्लाइंड, जैसे कि आपको दिख रही है। अब फ्रेंड्स हम इसके प्रोजेक्शन बनाते हैं। प्रोजेक्शन बनाने का तरीका होता है फ्रेंड्स, जब हम ऊपर से देखते तो हमें क्या मिलता, टॉप व्यू, जब सामने से देखते तो हमें क्या मिलता, फ्रंट व्यू। तो हम अगर हम यहाँ इससे सामने से देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है, इसको सामने से देखेंगे फ्रेंड्स तो ये वर्टिकल प्लेन पर हमें क्या मिलेगा, टॉप व्यू। टॉप व्यू क्यों मिलेगा याद रखें, अगर हम इस पॉइंट से प्रोजेक्शन डालेंगे कहां, सीधे वर्टिकल, जैसे कि जो हमारा प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल होता है कि जैसे हमें किसी लाइन के प्रोजेक्शन बनाना तो उसके दोनों पॉइंटों से हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लाइन डालेंगे और जिस भी प्लेन पे मिलेंगे वहां पर जो भी प्रोजेक्शन मिलेगा वह उस लाइन का प्रोजेक्शन होगा। तो ये इस पॉइंट से हमने सीधी परपेंडिकुलर लाइन डाली तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला फ्रेंड्स, यहाँ पर क्यू था तो यहाँ पर हमने क्यू डैश दे दिया क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन के अंदर।
इस तरह यहां से सीधी परपेंडिकुलर लाइन डाली तो यहां पर एक पॉइंट मिला, उसको यहां पर पी था तो उसको पी डैश दे दिया। ये जो हमें पूरी लाइन मिल गई ये फ्रेंड्स कहां पर मिली, वर्टिकल प्लेन के अंदर ये सीधी लाइन मिली फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स ये दिख रही है, ये हमें इस लाइन का क्या होगा फ्रंट व्यू होगा क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन के अंदर मिला, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के अंदर हमेशा फ्रंट व्यू बनता है। अब फ्रेंड्स ऊपर से देखने पर हमें, ऊपर से देखने पर क्या मिलेगा टॉप व्यू मिलेगा, क्योंकि सामने से देखने पर हमने बनाया ये क्या मिला मुझे फ्रंट व्यू मिला। अब मुझे ऊपर से देख रहा है फ्रेंड्स तो ये तिरछी दिख रही है, ऊपर से फ्रेंड्स तिरछी दिख रही है तो हम इसी प्लान के अंदर ऑलरेडी बना हुआ ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट भी कहां यहीं पर आएगा, ये पॉइंट भी कहां पर यहीं पर आएगा, लेकिन सेम जिस पोजिशन बनी उसी पोजिशन में आएगा। तो ये जिस पोजिशन बनी उसी पोजिशन में हमें क्या मिल जाएगा टॉप व्यू मिल जाएगा। तो ये इंक्लाइंड मिली मुझे, तो इंक्लाइंड मिली फ्रेंड्स इसी को मैं बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा ये कंसेप्ट बेसिस पे अगर देखेंगे तो हमें इंक्लाइंड कहां पर दिख रही फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर दिख रही, ठीक है कहां पर दिख रही हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। तो ये डायरेक्ट आंसर हम कहां पर बनाते हैं, जो हम क्वेश्चन में क्या आंसर देते हैं सॉल्यूशन देते हैं वह डायरेक्ट आंसर बनाते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं फ्रेंड्स हम कंसेप्ट याद रखते हैं कि वीपी से इंक्लाइंड कभी भी दिया हो तो उसको हम कहां पर दिखा देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर इंक्लाइंड बना देते हैं जितने एंगल पे दी हुई। इसी तरह फ्रेंड्स उसके अपोजिट जो भी लाइन बनती है उसको हम वर्टिकल प्लेन के अंदर बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम वर्टिकल प्लेन को इंक्लाइंड दिखा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, क्योंकि एक्चुअल में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ही इंक्लाइंड दिखती है। तो अब मैं फ्रेंड्स इसका आंसर बना देता हूं, तो फ्रेंड्स हमें यहां पर बनाना है क्या इंक्लाइन 30 डिग्री लाइन, किसके अंदर एचपी के अंदर। तो यहां पर बनाने का तरीका देखें फ्रेंड्स, इस लाइन को थोड़ा आगे की ओर बढ़ा दें, इस लाइन को ऊपर की ओर बढ़ा दें, हमें चांदा को रखना है यहां पर जीरो वाला यहां पर मिलना चाहिए और जीरो वाली पूरी लाइन इस लाइन पे मिलना चाहिए और 90 डिग्री वाली लाइन इस लाइन पे मिलना चाहिए। इस लाइन से जो ए वाई लाइन है इससे हम ऊपर की ओर मेजर करेंगे कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री पे एक पॉइंट लगा देंगे फ्रेंड्स, उस पॉइंट से गुजारती हुई हम यहाँ से सीधी एक लाइन खींच देंगे कितनी लंबी 60 mm लॉन्ग, ठीक है फ्रेंड्स। उस लाइन पे हम नंबरिंग भी दे देंगे, हम दिखा देते हैं कि किस तरह ड्रॉ करना है और कितनी नंबरिंग देना। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या किया, चांदा रख के हमने क्या किया, जैसे मैंने बताया था 90 डिग्री ऊपर पहुंचे जीरो वाला यहाँ पहुंचे, इस लाइन से जीरो वाई लाइन से ऊपर की ओर 30 डिग्री पे, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया था, फिर हम स्केल की सहायता से इस पॉइंट से इस पॉइंट ये जो पॉइंट है मार्क किया था 30 डिग्री पर उससे गुजारते हुए सीधे एक लाइन खींच देंगे कितनी 60 mm लॉन्ग। फिर हम इसकी नंबरिंग देते फ्रेंड्स, जो भी यहाँ नंबर नाम दिया है पी क्यू, जैसे यहाँ पर नाम दिया सेम नाम यहाँ पर देना, यहाँ पर पी डी एस था तो पी ऑलरेडी हो गया, क्यू नाम देना था तो यहाँ पर क्यू दे दिया, लेकिन स्मॉल में देना फ्रेंड्स, और एच पी है तो यहाँ पर ये क्या मिल रहा है टॉप व्यू मिल रहा है तो हमें विदाउट डैश देना। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं हम जो इसकी सेकेंड पोजिशन निकालते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पॉइंट से सीधा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक प्रोजेक्शन लाइन डालेंगे, इसके पैरेलल होनी चाहिए सीधी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस लाइन के पैरेलल सीधी नीचे की ओर लाइन डालेंगे जो कहां इस पॉइंट के पैरेलल आना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट को हम इधर से इधर की ओर आगे की ओर बढ़ाएंगे और इस पॉइंट को इधर नीचे की ओर ले जाएंगे तो दोनों पॉइंट यहां पर मिल जाएंगे। तो मैं मिला के दिखा देता हूं, तो फ्रेंड्स यहां पर देख रहा है ए क्या है, यहां पर दोनों ए पॉइंट इधर से आया ए नीचे से गया तो यहां पर इंटरसेक्ट हो गए, तो यहां पर जो पॉइंट मिला हुआ है पॉइंट क्या होगा एक क्यू होगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा क्यू डैश हो जाएगा, और जिस तरह हमने ए लाइन को डार्क किया इस तरह यहां पर जो लाइन मिली इसको भी हम डार्क कर देते, तो मैं उसको दिखा देता हूं कैसे डार्क करना और कैसे नंबर देना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख रहा है जो लाइन मिली मुझे एक्स वाई लाइन के ऊपर उसको भी मैंने डार्क कर दिया, ठीक है इसको मैं नंबरिंग दे दी, जैसे कि बीपी वर्टिकल प्लेन के अंदर हमें डैश देना फ्रेंड्स, क्योंकि उस वह क्या फ्रंट व्यू को शो करा था, तो ए फ्रंट व्यू हो गया ए टॉप व्यू हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हमें याद रखना सिर्फ दो ही लाइनें हमें डार्क करना है, जो रेड कलर की ए वाली दिख रही और ए वाली दिख रही, इसको हमें जो एच पेंसिल रहती है उससे डार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स, एच बी से हमें डार्क ना करें क्योंकि उससे सीट गंदी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड जो भी हमें जो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन लाइन दिख रही है ए वाली जो प्रोजेक्शन लाइन, इसके अलावा जो भी हमें हेल्प के लिए अदर लाइनें बनाते हैं उसको हमें लाइट करना है 3H पेंसिल से। इसके अलावा जो रिटर्न वर्क करें कोशिश करें आप 2S से करें जिससे कि वह मीडियम दिखे ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा लाइट। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर है, ये हमारा ये जो हमने डायग्राम बनाया था और जो हमारा डाटा गिवन था ये सब सपोर्ट के लिए होता आंसर बनाने के लिए, हमारा जो ड्रॉइंग शीट में सिर्फ इतना आंसर बनना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमें ड्रॉइंग करना है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, थैंक यू फ्रेंड्स।